यूपी में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक चुका है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है अब ऐसी खबरें भी सामने आने लगी हैं कि बीते दिनों फलाना नेता पिट गया। हालांकि इस बार खबर में थोड़ा सा बदलाव है। पंचायत चुनावों में जहां भाजपा की तरफ से विरोधी नेताओं को घेरा जा रहा था, इस बार विधानसभा में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। पंचायत चुनावों के दौरान जैसा बीज बोया गया था, अब भाजपा के नेताओं को वैसी ही फसल काटनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या हुआ जो अब भाजपा के नेताओं की पिटाई की खबरें सामने आने लगी हैं? जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं द बेजोड़ भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर एक भाजपा नेता का पहले तो अपहरण किया जाता है, फिर उसे पिटाई के बाद सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो जनता के बीच सरकार को लेकर गुस्सा है या फिर कानून व्यवस्था की लच्छर हालत। तो चलिए जरा हम आपको अब पूरी खबर भी बता देते हैं। अब हुआ दरअसल यह कि टांडा के ब्लॉक पंचायत के प्रत्याशी रहे तेजस्वी जायसवाल का देर रात अपहरण हो गया। बाद में खबर लगी कि तेजस्वी जायसवाल हाईवे के पास घायल अवस्था में पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा पिछड़ा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य तेजस्वी जायसवाल को रात करीब 10:30 बजे के आसपास एक मित्र के साथ बाहर जाना था। बाइक पर चिंतौरा स्थित आवास के लिए जब वे बस स्टेशन से निकले तो टांडा नगर में थिरुआ पुल पार करते ही चार पहिए से कुछ बदमाश उनके सामने आ गए। उन बदमाशों ने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। तेजस्वी के साथ चल रहा युवक डरकर भाग गया, जबकि बदमाशों ने तेजस्वी का अपहरण कर लिया। उन्हें गाड़ी पर बिठाया गया और उसके बाद बदमाश उन्हें ले भागे। इसी बीच अपहरण की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन भी काफी सक्रिय हो गया और चारों तरफ की गई नाकेबंदी के बीच तेजस्वी अकबरपुर मार्ग पर घायल अवस्था में मिले। फिलहाल के लिए उन्हें टांडा CHC में भर्ती कराया गया है और टांडा विधायक संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्त ने भी अस्पताल में उनका दौरा किया। फिलहाल के लिए बड़ी तादाद में नेता और पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, उनमें आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। पुलिस के अनुसार तेजस्वी ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। बताते चलें कि तेजस्वी ने टांडा से भाजपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। उन्होंने पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से ब्लॉक प्रमुख बने सुरजीत के नामांकन पत्र को छीन कर फाड़ दिया था। अब इसी बात से लालजी के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। SP आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि प्रकरण में गहन छानबीन की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।